तो यूट्यूब गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बच्चा हूँ फ्रेंड्स। का आज टॉपिक अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आप पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो तो उसके जो बटन होते हैं फायरिंग के या फिर जंप वगैरह के, तो उन्हें आप जैसे बड़ा कैसे कर सकते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पर जाना है। होम स्क्रीन आने के बाद आपको जो आईडी होती है उसके ऊपर सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग जाने के बाद आपको दूसरा नंबर ये कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कंट्रोल में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे येलो कलर में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जैसे कि मुझे मुझे रीलोड का ऑप्शन है ये बड़ा करना है, ये बटन है जो बड़ा करना है। तो आपको ऊपर ऊपर जो ये लाइन सी दिख रही है, जो दो लाइन दिख रही होगी, तो आपको जो ऊपर वाली है इसको थोड़ा सा आगे कर देना है। तो देख सकते हो मेरा बड़ा हो चुका है, ठीक है। आपको जो छोटी करना आती है अपन को, वो मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने ये बड़ा कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे जो स्कोप का होता है उसे भी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो देख सकते हो मेरा स्कोप को बड़ा हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे जो अपने लेफ्ट हैंड की साइड जो फायरिंग को होता है इसे भी बड़ा करना है, तो मैं कर लेता हूँ। ये देख सकते हो इसे भी करना है, तो इसे भी मैंने कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे मेरा मैप होता है उसे भी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने ये मैप को बड़ा कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। हो चुका। अभी जो सेटिंग के ऑप्शन होते हैं, सेटिंग के या फिर आवाज़ वगैरह आवाज़ के, तो इन्हें भी मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। देख सकते हो मेरे कितने बड़े हो चुके हैं। और एक दौड़ने का और होता है, एक अपने मैसेज भेजने का होता है, वो मुझे बड़ा करना है, तो ये मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे जो ये अपनी नेम प्लेट आती है इसको भी मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने देख सकते हो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगा मैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हो मैंने इसको भी बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे सेट कर सकते हो। अब मैं बताऊँगा आपको कि नेम प्लेट की जगह तो मुझे रखना है मैप, और मैप की जगह नेम प्लेट रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या करना है, पहले मैं नेम प्लेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आप यहाँ पर ले जाकर अंगूठे से और इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए, और फिर मैप पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो मैंने सेट कर दिया जो नेम प्लेट का होता है, इसे पहले क्लिक करके और इसे यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे नहीं जा सकता, ये कोने में नहीं जा सकता, तो इसलिए आप कहीं भी सेट कर लीजिए। तो मैं आखिरकार ये मैप ये होता है यहीं पर कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे बैक का है इसे थोड़ा सा ऊपर करना है, तो मैंने बैक को ऊपर कर लिया है। और मैं ये गन्स वगैरह के कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये भी कर लिए हैं, और ये भी मैं थोड़े से बड़े कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना आपको, ये करने के बाद मैंने तो दूसरी भी इतनी चीज़ें करी हैं, यदि आपको और चीज़ें भी करनी है और चीज़ भी एक जगह दूसरी जगह करनी है, तो पहले उस पर क्लिक करना है और इसको उठा के वहाँ पे ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव को ऊपर ऑप्शन सेव का दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेव दबाना है। सेव दबाने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एग्जिट दबाना है, फिर आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। देख सकते हो मैं मेन स्क्रीन पर आ गया, अब आपको स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स चल रहा है ये फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना मुझे। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने सेट किया था ये चल चुका है। जैसे मैंने सेट किया था मैप को यहाँ पे, तो मैप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और मैंने जो बटन बड़े किए थे वो भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हो आप भी ऐसे बड़े बटनों को बड़ा कर सकते हो, या फिर एक किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपका हाथ बैठे वहाँ पर ले जा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।